गाइस हम लोग चंडी देवी आ चुके हैं। ये है टिकट काउंटर, यहाँ मिल जाता है हमें टिकट और सामने ही लिखा हुआ है वेटिंग टाइम। तो अभी वेटिंग टाइम दिखा रहे हैं 2 आवर्स। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट कितने कितने का मिलता है। आप नॉर्मल टिकट भी ले सकते हैं चंडी देवी का जो मिलता है 220 का, उसके बाद चंडी देवी और मनसा देवी का कंबाइंड टिकट भी मिलता है यहाँ पर 349 का। ट्रांसपोर्ट टिकट इज 95 टिकट एंड चंडी देवी चाइल्ड टिकट। अगर आपको है ना यहाँ पर चंडी देवी और मनसा देवी दोनों का टिकट चाहिए तो वो मिल जाता है 349 का। ये टिकट काउंटर डिस्प्ले हो रहा है अभी यहाँ पर करंट टाइम वेटिंग टाइम दैट इज 2 आवर। अभी 2 घंटे का वेटिंग टाइम है। भीड़ दिखाता हूँ अब मैं आपको गाइस। ये देखिए भीड़। ये है रोप वे साइड का, इसलिए यहाँ पर इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। अभी यहाँ पर अब हम टिकट ले लिया है, हम लोगों ने 5 लोगों का अपना टिकट है। तो गाइस ये रहा हमारा टिकट, ये इनवॉइस है देख सकते हैं 5 लोगों का 1100 का टिकट। ये देख सकते हैं गाइस कितनी भीड़ है, ये रोपवे की वजह से इतनी भीड़ है, ये रोपवे वाले एरिया में इसलिए यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट यहीं से, जिसका भी नंबर आता है यहाँ से ही अनाउंसमेंट होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आगे यहाँ पर नॉर्मल बैठ सकते हैं और यहाँ से जैसे ही नंबर अनाउंस होगा वैसे ही बुलाएंगे। हमारा कितना नंबर है? हमारा नंबर है 448 नंबर है हमारा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होगी गाइस। मम्मी यहाँ बैठी हुई है, इसमें अराउंड जहाँ तक मुझे लग रहा है 448 है, 2 घंटे के अराउंड तो टाइम लग जाएगा यार। अभी देखते हैं, लाइट आ गई, बारिश का मौसम है। हमारा नंबर आ चुका है फाइनली, 5 लोग हैं। तो हम जा रहे हैं प्रवेश द्वार दी रोप वे, यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे रोप वे के लिए। काफ़ी लंबी लाइन थी, अराउंड 2 घंटे हमने वेट किया। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे रोप वे, ये यहाँ पर शायद मिल जाता है। कितने का है ये? 50 का एक ही पैकेट यहाँ मिल रहा है। गाइस दिस इज द रोप वे टू द रोप वे। घंटे की लाइन के बाद नंबर आया। यहाँ पर भी काफी लंबी लाइन है,
से प्रसाद लेते हैं, वही चप्पल रखिए और प्रसाद ले लीजिए। यहीं पर यहाँ प्रसाद लो और चप्पल जूते अंदर रख दो। यहाँ से गाइस हमने ले लिया है प्रसाद, आपको यहाँ हर टाइप का प्रसाद मिल जाएगा, आपको सब कुछ 50 मतलब 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए और जैसा चाहिए वैसा प्रसाद मिल जाता है। दिए चाहिए तो दिए ले जा सकते हैं आप, ऊपर फूल ले जा सकते हैं, कमल का फूल, गुलाब का फूल। उसके बाद ये 100-100 रुपए के प्रसाद, ये छोटे वाले पैकेट 50 रुपए के प्रसाद। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है प्रसाद और सामने उतार दिए जूते चप्पल, आते हुए यहीं से जूते चप्पल ले लेंगे। फाइनली प्रसाद ले लिया है हम लोगों ने और अब पहुँच भी गए हैं प्रवेश द्वार पे। प्रवेश द्वार पे आ भी गए हैं हम लोग, ये देखिए सब लोग आ गए हैं। तो ये है हमारा प्रवेश द्वार, ये देखिए लोगों ने मन्नत मांग के यहाँ पर बहुत सारी चुन्नी लगा रही है, देख सकते हैं आप लोग, ये मन्नत वाली चुन्नियाँ हैं। आज गाइस अगर वीक डेज पे आएंगे तो ऐसा खाली एरिया मिल जाएगा, बट वीक ऑफ पे तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं है। आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, आंधी तूफान, उसकी वजह से शायद ये इतना खाली है, वरना आप देख सकते हैं कितने टर्न्स बना रखे हैं यहाँ पर, कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है, आप देख सकते हैं कितने टर्न्स बना रखे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ बारिश, आंधी तूफान प्लस वीक डेज, ट्यूजडे को हम लोग आए हैं तो इसलिए भीड़ नहीं है, और यही अगर हम सैटरडे संडे को आते तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होती। फाइनली ये है गाइस मंगल द्वार, आ चुके हम लोग मंगल द्वार पे। ये गाइस मंगल द्वार, दिल्ली हम लोग पहुंच चुके हैं मंगल द्वार पे। ये है मंगल द्वार, जोश भरा हुआ है लोगों में, देख
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए गाइस, नीचे का व्यू हम लोग आ चुके हैं टॉप मोस्ट पॉइंट में, देख सकते हो आप लोग मेरे यहाँ पर। ये है चंद्र द्वार, ऊपर वीडियो बनाना मना था इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई, तो आप देख सकते हैं ये एग्जिट डोर है जिसका नाम है चंद्र द्वार, देख सकते हैं। मन्नत की बहुत सारी चुन्नियां ऊपर बंधी हुई है, अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे ऊपर चुन्नियों से बना हुआ है पूरा एरिया, भरा हुआ है चुन्नियों से मन्नत द्वार, मन्नत की चुन्नियों से। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ले जाना है तो डेली दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं रोप वे से नीचे, ये रास्ता तो चलते हैं अपने वन टोले के पास। गाइस